अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ, मेरी जेठ की बेटी की हल्दी हो रही है और किस तरह हो रही है मैं हर चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ये है हमारी हिना। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी हिना है। 2 दिन बाद इसकी शादी है। अब इसका मेकअप हो रहा है, बाल स्ट्रेटनिंग हो रहा है, दूल्हे वाले आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। अब इसके लिए रेडी तैयारी चालू है। क्या मैं आ गई हूँ ना, और क्या चाहिए वीडियो कैमरा। तुम्हारा वीडियो खाली तुम लोग ही फिर के देखेंगे, हमारा वीडियो तो जनता देखेंगे। ये है मुबीना, उसकी बहन। ये मेरे मिस्टर, ओ यहाँ देखो ना, ये दुल्हन की माँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके ही घर पे मैं शादी के लिए आई हूँ। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही बोलूँ आप, क्या क्या बोल रहा है? बेस्ट फ्रेंड, अरे भाई की औरत भी होती है, बेस्ट फ्रेंड भी होती है। मैं आवाज, ये लोग का घर है। इधर आए, अब शीन इधर आ जाओ बेटा। अब शीन हाय, फिर ब्लॉक में देखना, तू कुछ बोलना चाहती है? किसकी शादी हो रही है? हिना पप्पू की शादी हो रही है। तू कितना एंजॉय कर रही है शादी में? बहुत बहुत खुशी हो रही है पप्पू जाने से। हाँ, दुख नहीं हो रहा है? डैडी का भी आने वाले नहीं मालूम। मुँह छुपा रही है हमारी दुल्हन। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फुल मेकअप हो जाएगा ना जब शो करेंगे हम, अभी मुँह छुपा ले चलेगा। हाँ, ये हमारी हिना का मेहंदी है। हिना कब लगाई? इमाम जामिन बानी है आज। हाँ, पूरी तरह बता, दोनों हाथ को ज्वाइन कर। हाँ, पैर में भी लगाइए। ठीक है, अभी हल्दी का रस्म हो रहा है। अभी हिना हमारी बैठी है, हिना नास बैठी है, और पीछे पूरा बैकग्राउंड साउंड मतलब गाना बज रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुश है, बहुत खुश है वो कि अपने भाई की बेटी की शादी हो रही है। बहुत खुश है। इसके लिए अभी मैं भी साथ में खड़ी हूँ, हम दोनों खड़ के उसको दुआ दे रहे हैं, और फ़ोटो भी निकाला जा रहा है हमारा। हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना हिना के साथ में, तो माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। हम लोग की जोड़ी को नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि हर कोई हमारी जोड़ी को नज़र लगाता है। और अभी हिना रो रही है क्योंकि सॉन्ग ऐसा आ रहा था बाबुल के ऊपर, तो इसके लिए उसको रोना आ गया था बहुत। तो उसको मैं समझा रही थी, और मैं उसको ये समझा रही थी और डांस करने बोल रही थी। अभी मेरी जेठानी भी मेरे साथ में आके खड़े हो गए। इनका नाम है ज़ैनुबा, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी भाभी भी है। देखो मेरे कैसे गले लग रहे थे, क्योंकि उनको रोना बहुत आ रहा था, क्योंकि ये बहू है। इसका नाम है तबस्सुम। देखो कितनी इंजॉय कर रही है, बस ब्लॉक में, हर ब्लॉक में तो आपको नज़र आएगी ये, क्योंकि इतनी हंस रही, इतना हंसमुख और इतनी हंसमुख है, बस खाली हंसे ही जा रही है और फ़ोटो लिए जा रही है। फ्लैट बंद होने की वजह से मेरे जेठ और जेठ का बेटा अफसर और जेठ का नाम है बाबू, और दोनों ने आ पाए, क्योंकि उसके लिए हम खड़ के शादी करने के लिए, क्योंकि हम भी तो माँ बाप ही हो गए ना, तो हम सारे रस्म में शरीक है। अब ये रस्म शुरुआत हो रही है रस्म की, देखो किस तरह रस्म किया जाता है। ये माँ की हल्दी है, हम लोग में ऐसा ही रस्म किया जाता है। देखो अभी भाभी भी बैठी है,
और मम्मी भी बैठी है उसकी, और पीछे बैठे दो बच्चे खड़े हैं, ये मेरी जेठानी के ये दोनों ना पोता पोती लोग हैं। अब ये जो मेरी बहू की भाभी है वो रसम कर रही है, जो बहू का नाम है तबस्सुम, वो रसम कर रही है। देखो किस तरह रसम किया जाता है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको ये ब्लॉग डाल के बता रही हूँ आपको कि आप शादी में तो नहीं आ सके, लेकिन ब्लॉग में पूरी शादी इंजॉय कर लेना, ताकि मैं हर चीज़ इसके अंदर रिकॉर्डिंग करी हूँ। और कुछ कुछ नहीं करी हूँ तो दोस्तों वो समझ के इंदौर कर देना कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा मोबाइल का या कुछ भी, इसके लिए इंदौर कर देना। एक्चुअली ना ये रसम होता है माँ बाप को बिठा के होता है, और क्योंकि अभी मेरे जेठ भी बाहर है और जेठ का बेटा भी बाहर है जो अफसर है, इसके लिए मेरी जेठानी और बहू को बिठा के रसम किया जाता है। देखो किस तरह गले में हार डालते हैं, और किस तरह वो हाथ में कंगन पहनाते हैं फूलों का, और ये बच्चों को भी मतलब पहनाया जाता है। अब इनको जोड़ा दिया जाता है, देखो किस तरह जोड़ा दिया जाता है। तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इस वक्त मेरे भाई और भाई का बेटा नहीं है, तो बहुत बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग उनको बहुत। अभी ये कवर दिया जा रहा है जिसके अंदर हम पैसा रख के देते हैं, इस तरह से रसम होता है हमारे यहाँ पर। अभी देखो मुँह मीठा किया जा गया, और अभी हल्दी, क्योंकि मेहंदी लगी हुई है ना दुल्हन के हाथ में, इसके लिए पान रख के उसके ऊपर हल्दी लगा रहे हैं। किस तरह रसम किया जाता है, ये छोटी छोटी खुशी है ना बहुत मायने रखती है दोस्तों, बहुत इंजॉय करने मिलता है, घर के सारे जन बहुत इंजॉय करते हैं। अभी उसके अब्बा नहीं है ना, तो इसके लिए हमको भी बिठा के रसम करेंगे। अभी मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और मैं अभी रसम कर रही हूँ, और अभी देखो मेरे हस्बैंड से पेमेंट मांग रही हूँ कि लाओ मैं कुछ रखूँ बोल के। तो मैं इसके लिए उसको जो भी है, मैंने कुछ सामान नहीं ली थी, जो देना था मैंने उसको खुशी से वो दे दी, अदा कर दी। अभी हम बैठे हैं, बैठ के फ़ोटो निकाल रहे हैं, वीडियो भी निकाला जा रहा है। अभी देखो हल्दी तो हो गई, अभी बरी आ रही है, ये मुबीना खड़ी है हमारी चोबा लेके, ये भी मेरी बोलती ना और एक जेठानी की भाभी की बेटी है। अभी बरी वाले लोग, दूल्हे वाले लोग ऐसा बरी लाए ले कि पूरा ढोली बाजा के साथ, मैं आवाज़ तुम्हारे को बताऊंगी दोस्तों क्या धमाल से उन लोग ने मतलब लेके आए हैं। नाचते गाते अपनी खुशी से अपनी बहू की बरी लेके आए हैं, देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं उन लोग, दिख रहा है ना, इस तरह ही इंजॉय किया जाता है, इस तरह ही सब डांस किया। देखो ये सास है हमारी हिना की, उसको भी नचाया जा रहा है, जो उसको भी बोल रहे हैं कि नाचो डांस करो बोल के, लेकिन सास ने नहीं डांस किया, सास की बोलते ना बहन है वो डांस कर रहे हैं, और बाकी के लोग डांस करते हुए आ रहे हैं। बहुत बोलते ना बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत खूबसूरत बोलते ना, ऊपर से इतनी ज़ोर में बारिश आ रही थी, बारिश तो इतनी ज़ोर में कि पूछो मत, इतनी ज़ोर में बारिश आ रही है, और उन लोग की बरी आ रही है। ढोलक बजाने वाले लोग को और जोश आ गया, वो लोग और ज़ोर ज़ोर से ढोलक बजा रहे थे। तरह बाराती लोग आते हैं तो इसके लिए ऐसे ही खोपरे का चोबा खिलाया जाता है उनको, इसी तरह दूल्हे का स्वागत किया जा दूल्हे वालों का स्वागत किया जाता है। हम भी जाते हैं तो दूल्हे वाले इसी तरह स्वागत करते हैं। देखो कैसा डांस कर रही है, कैसा डांस कर रही है देख के मज़ा आ रहा है ना। शादी में आप भी इंजॉय कर रहे हो ना, आप ऐसा लग रहा है ना आपको कि हम भी शादी में शामिल हैं। अरे दूल्हे वाले बैठे हैं अपना अपना बरी का सामान अपने हाथ में लेके। अब ये लाल कपड़ा बिछाते हैं, उसके अंदर हल्दी मिक्स करते हैं चावल के अंदर, वाइट राइस के अंदर, लोग अपने मतलब जैसे गांव टाइप का जो गाना होता है वो गाना हम लोग गाते हैं अभी, क्योंकि आजकल अरे आर एस को उठाती आर एस की मारोती आज नको रो ढोल ले रे ढोल ले रे मैं बजा रही ना बजा बजा बजा
अजी हेलो इनको सेंटर लो सेंटर लो। ये थोड़ा ऐसा खड़ा ऐसा खड़ा ही ना ऐसी खड़ो ऐसी खड़ो थोड़ा। दूल्हे की हल्दी के लिए रसम देखो चालू होने वाला है दुल्हन का। इसके लिए देखो ऐसा ये चादर पकड़ के उसको बाहर लेके आ रहे हैं। ये बहने भी लाती है और ज्यादा करके तो भाई लोग ही लाते हैं, भाई लोग पकड़ के लाते हैं, बहने भी मिक्स होके लाती है। अब ये सारी बहने मिलके इतनी खुश थी कि सारी बहने ही पकड़ के लेके आ गई। अब दुल्हन को बिठाने जा रहे हैं। जो चौक पूरा है लाल कपड़ा बिछा के बस उसी के ऊपर बिठा देंगे, उसी के ऊपर बिठा के अब दूल्हे वाले रसम करेंगे। किस तरह रसम करते हैं वो देखिए हो रहा है। देखो अभी किस तरह बोलते हैं ना, हम बेटी को इतने लाड़ो नखरों से और इतना दिल के एक जिगर की तरह उसको पालते पोसते बड़ा करते हैं दोस्तों, और दूसरे के हवाले हम कर देते हैं। बस उसकी ये हमारी बहू सामने आ रही है, इतनी खुशी से उसको मतलब विदा करते हैं, उसकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं हम। और दूसरे के घर में अगर वो खुश रहे तो हमारी खुशी दुगना हो जाती है। बड़ी सज रही है हमारी और हम सेल्फी ले रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, सब बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको बड़ी के अंदर हमने क्या क्या दिया हमारी बेटी को। बोलती ना बहुत खुशी से दिया, आप लोग सब दुआ करना हमारी हिना नाज के लिए कि बस वो खुश रहे। और जिस तरह यहाँ हंसमुख और हस्ती खेलती रही और उन लोग का घर भी इसी तरह वो खुशी से आबाद करे और खुश रहे। और सब मेरे जितने दोस्तों हैं और जितने मेरे अपने वाले हैं सब मेरी हिना नाज के लिए दुआ करना। देखो ये मुबीना है, ये आलिया है, इन लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग भी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अभी देखो ये बरी सज गई है, या वो मैं आपको दिखाऊं बरी में क्या क्या दिया गया है हमारे बच्चे को, हमारी हिना को। ये सब ये तबस्सुम है, तबस्सुम की दोनों भाभी लोग हैं। तबस्सुम बोलेंगे तो हमारी बहू, मेरी जेठ की बहू, तो ये दोनों उसकी भाभी थी। अभी ये बरी सज गई है दोस्तों, चलो आइए देखिए बरी में हम क्या क्या दे रहे हैं।